प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में बदलाव को लेकर युवाओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी को लेकर बनाए जा रहे नए कानून के विरोध में युवाओं ने सौंपा डीएम को ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी से पहले 5 साल तक संविदा कर्मचारी के रूप में काम करने का जो कानून लाने की तैयारी की जा रही है, उसके विरोध में आज अमरोहा कलेक्ट्रेट में भारी तादाद में युवा पहुँचे, जिन्होंने अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम था। इस ज्ञापन में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जो सरकारी नौकरियों को लेकर जो काला कानून लेकर लाने जा रहा है वह सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और उसके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा कानून लागू न किया जाए, अन्यथा युवा आंदोलन को मजबूर होंगे। राम बाबड़पुर कला, हम जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम युवा अपनी मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं। ये जो सरकारी नौकरी में बदलाव कर रहे हैं सरकार, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इससे बहुत लोगों का रोजगार छिनेगा। ये जो सब युवा इकट्ठे हैं हमारे साथ, हमारे भाई जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद भी 5 साल सरकार चाह रही है कि 5 साल और हम अपना आकलन दें इन्हें, तो क्या वो 5 साल कम हैं जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या इतना अपना खून पसीना कर रहे हैं? हमारे माँ बाप परेशान रहते हैं 5 साल, कोई ये पहली बात नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, और फिर नौकरी में इतना नियम बदल रहे हैं कि हम 5 साल इन्हें पहले अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, फिर उस चीज़ से क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये लोग 6 महीने के हमसे अपना हमारा परफॉर्मेंस मांगेंगे, फिर उस चीज़ के लिए आगे रिश्वतखोरी बढ़ेगी। हम अपनी मांगें रख रहे हैं, हमारे शांतिपूर्वक प्रदर्शन है कि ये जो भी नियम आया है ये ना लागू हो। इससे बहुत बेरोजगार तो हैं और बहुत बेरोजगारी प्लस भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अधिकारी बात ठीक हो जाए।